हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग एक रोमांटिक ड्रामा मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी का नाम है चाइनीज घोस्ट स्टोरी, जिसे 1990 में रिलीज किया गया था। इस मूवी के कहानी में हम लोग तीन बहनों को देखेंगे। इनमें से बड़ी बहन को एक आदमी से प्यार हो जाता है और वो उसके घर में जाकर अपनी हवस मिटाती है। जैसे ही उसकी छोटी बहनों को ये बात पता चलती है, वो भी उस आदमी के पास पहुंच जाती है ताकि वो लोग भी इस आदमी के साथ गपागप कर सके। असल में ये तीनों बहनें चुड़ैल थी जो कि हवस की भूखी थी। जब इन तीनों बहनों को एक दूसरे के बारे में पता चलता है, तब ये लोग उस आदमी के साथ क्या करती हैं, यही हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा। तो चलिए इस मूवी को शुरू करती हैं। इस मूवी के शुरुआत में हम लोग एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं। वो एक चाय के दुकान में चाय पीने के लिए जाती है। जब वो यहाँ बैठ कर चाय पी रही होती है, तभी दो मवाली उसे छेड़ते हैं। वेवाई पहले तो उन्हें इग्नोर करती है, लेकिन जब वो लोग अपनी हद पार कर देते हैं, तब वेवाई उन पर हमला कर देती है और उन्हें मार मार कर उनके अंडे फोड़ देती है। इसके बाद वो लोग यहाँ से भाग जाते हैं। ये दोनों लोग अपने बॉस के पास आते हैं। इन दोनों के पिटे हुए चेहरे को देखकर बॉस ये समझ जाता है कि किसी ने इनकी धुलाई कर दी है। उनका बॉस उनसे गुस्से में ये पूछता है, तुम्हें कितने आदमियों ने मिलकर मारा है? तब वो लोग जवाब देते हैं, हमें किसी आदमी ने नहीं बल्कि एक लड़की ने मारा है। ये सुनकर बॉस को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने कुछ आदमियों को लेकर वैवई को मारने के लिए जाता है। लेकिन जाते हुए उन्हें रास्ते में लिसु मिलती है। वो लोग लिसु से वैवई का पता पूछते हैं। लिसु इन लोगों से कहती है, मैं उसकी बड़ी बहन हूँ और उसने जो भी कुछ गलती की है, मैं उसकी भरपाई कर दूंगी। बॉस पूछता है, तुम भरपाई कैसे करोगी? तब लिसु उससे कहती है, मैं अपनी अदाओं से तुम्हारे गुस्से को ठंडा कर सकती हूँ। लिसु की ये बात सुनकर सभी लोग एक लाइन में लग जाते हैं ताकि वो लोग लिसु के जिस्म के जलवे देख सके। इस पर लिसु इनसे कहती है, मैं तुम पांचों को अकेली नहीं संभाल सकती हूँ, इसलिए मैं अपनी सहेलियों को बुला लेती हूँ। जैसे ही लिसु की सहेलियाँ यहाँ आती है, ये पांचों लोग उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं। ये लोग एक एक लड़की को उठाकर जंगल में मंगल करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन जब ये मवाली उन लड़कियों के साथ संबंध बना रहे होते हैं, तभी वो लोग ये देखते हैं, ये सारी लड़कियां भयानक मूर्तियों में बदल जाती हैं। ये देखकर ये लोग बहुत डर जाते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं। उन्हें यहाँ से भागता हुआ देखकर वैवई और उसकी बड़ी बहन बहुत खुश होती हैं। कुछ देर के बाद इनकी बड़ी बहन कामदेव के मंदिर में जाती है। यहाँ आकर वो कामदेव की पूजा करती है। जब वो यहाँ से पूजा करके बाहर जा रही थी, तभी उसके पास एक साधु आता है और वो उससे उसका नाम पूछता है, जिस पर वो कहती है वो अजनबियों का अपना नाम नहीं बताती है और वो यहाँ से मुड़कर अपने घर जाने लगती है। वो जंगल के रास्ते से होते हुए अपने घर जा रही थी, तभी वो मंदिर वाला साधु फिर से उसके सामने आ जाता है। साधु उससे कहता है, मैं जानता हूँ तुम कौन हो और अगर तुम इंसान बनना चाहती हो, तब तुम्हें अपने शरीर के हवस को अंदर दबाकर रखना होगा। साथ ही साथ वो ये भी कहता है, तुम तीनों बहनों पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। लेकिन वो साधु की बातों पर ज्यादा ध्यान ना देकर अपने घर में आ जाती है। घर आकर वो अपनी बहनों को साधु के बारे में बताती है। ये लोग एक दूसरे से बातें कर ही रहे होते हैं, तभी इनकी पड़ोसन मिस वोंग यहाँ आती है। वो यहाँ आते ही तीनों बहनों को गालियाँ देना शुरू कर देती है। असल में वो तीनों बहनों की खूबसूरती से बहुत जलती थी और उसे ऐसा लगता था जैसे ये तीनों बहनें मिस्टर वोंग को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसा लेंगी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। मिसेज वोंग जब अपने घर में आती है, तब वो अपने पति से भी झगड़ा करती है और वो तीनों बहनों से अपने पति को दूर रहने के लिए कहती है। इधर हम लोग इन तीनों को देखते हैं। ये लोग अपने देवता के सामने बैठकर ध्यान कर रही होती हैं, लेकिन ध्यान करते हुए इनके दिमाग में मर्दों का ख्याल आने लगता है और ये लोग अपनी हवस मिटाने के बारे में सोचती हैं, जिसके कारण ये लोग ध्यान नहीं लगा पाती हैं। असल में ये तीनों बहनें चुड़ैल थी और ये लोग कई सालों से इंसान बनने के लिए कड़ी तपस्या कर रही थी। कुछ देर के बाद रात हो जाती है और ये तीनों लोग आराम से सो रहे होते हैं, तभी इनमें से सबसे छोटी बहन जग जाती है क्योंकि उसे बहुत बुरे सपने आ रहे थे। इसके बाद वो बाहर घूमने के लिए जाती है, लेकिन जब वो बाहर आती है, तब वो देखती है लिसु खुले में ही नहा रही है और वो साथ ही साथ अपने अंगों को भी सहला रही थी। लिसु की खूबसूरती और उसके भीगे बदन को देखकर वैवई को भी फीलिंग्स आने लगती हैं। तभी वैवई भी लिसु के पास पहुंचती है और वो भी उसके साथ नहाने लगती है। तभी इनकी बड़ी बहन की नींद खुल जाती है और वो अपनी बहनों को यहाँ नहीं पाती है। जब वो बाहर निकल कर देखती है, अब वो इन दोनों को साथ में नहाता हुआ देखती है। इन दोनों को ऐसा करता हुआ देखकर वो भी गर्म हो जाती है, लेकिन वो अपनी हवस को दबा लेती है क्योंकि उसे जल्दी से जल्दी इंसान बनना था। अगले दिन इनमें से बड़ी बहन जंगल में जाती है और वो देखती है कुछ बदमाश एक आदमी का पीछा कर रहे हैं। तभी वो यहाँ आकर सभी बदमाशों को अपनी शक्तियों से मारती है और उन्हें यहाँ से भगाकर उस आदमी की जान बचा लेती है। इस आदमी का नाम जॉन था। वो यहाँ भागते हुए काफी जख्मी हो चुका था, इसलिए फैफे उसे छोड़ने के लिए उसके घर तक आती है। जॉन का घर काफी बिखरा हुआ था। जब जॉन फ्रेश होने के लिए जाता है, तब फिर से फैफे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है और सारे सामान को अपनी जगह पर रख देती है। जब जॉन बाहर आता है, तब वो अपना साफ सुथरा घर देखता है और वो फैफे को थैंक यू बोलता है। फैफे उसे बोलती है, आज के बाद मैं तुम्हारे घर आया करूंगी और यहाँ आकर मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगी। जिस पर जॉन उससे कहता है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें काम पर रख सकूं। उसकी बात सुनकर फैफे उससे कहती है, मुझे पैसों की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। फैफे अब जॉन को पसंद करती थी,
इसलिए वह उसके सारे काम करना चाहती थी। इधर हम लोग वैवई और लिस्सू को देखते हैं जो कि अपनी बड़ी बहन का वेट कर रही थी क्योंकि वह सुबह से घर नहीं लौटी थी। कुछ देर के बाद फैफई घर में वापस आती है लेकिन वह यहाँ अपनी बहनों को जॉन के बारे में कुछ भी नहीं बताती है। इसके बाद वह एक दिन अच्छे से तैयार होकर जॉन से मिलने के लिए जाती है। सबसे छोटी बहन को उस पर शक होता है इसलिए वह उसका पीछा करने लगती है। तभी वो देखती है उसकी बड़ी बहन एक झोपड़ी के अंदर जाती है। कुछ देर के बाद जब वो जॉन के घर से निकलती है तब वैवई जॉन के घर में जाती है ताकि वो ये बात जान सके कि उसकी बड़ी बहन यहाँ क्यों आती है। जॉनी यहाँ बाथरूम में नहा रहा होता है। वैवई उसे अचानक देख लेती है और उसे देखकर बहुत घबरा जाती है। जब जॉन की नज़र उस पर पड़ती है तब वो उसे भला बुरा कहकर अपने घर से भगा देता है, जिसके बाद वैवई रोते हुए अपने घर में आती है। उसे रोता हुआ देखकर लिस्सू उससे कारण पूछती है। इसके बाद वैवई लिस्सू को जॉन के बारे में सब कुछ बताती है। उसकी पूरी बात को सुनकर लिस्सू को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी तलवार निकालकर जॉन को मारने के लिए निकल जाती है। वो जॉनी के घर पहुंचकर उस पर हमला कर देती है। वो उसे मारने के लिए कई बार करती है जिससे बचने के लिए जॉन उस पर पानी फेंकता है और उसके बदन को गीला कर देता है। जैसे ही जॉन लिस्सू के भीगे हुए कपड़ों को देखता है उसकी हवस जाग जाती है। वहीं इधर लिस्सू कब से ये सब चाह रही थी। इसके बाद ये दोनों करीब आते हैं और एक दूसरे को नोच कर और दांत काट कर खूब प्यार करते हैं। घपाघप करने के बाद जब लिस्सू घर में आती है तब वैवई जॉन के बारे में उससे पूछती है। तब लिस्सू उससे कहती है, मैंने उसे जान से नहीं मारा लेकिन मैंने उसे अधमरा कर दिया था और उससे कहा था दोबारा तुम ऐसा मत करना। ये सुनकर वैवई को बहुत बुरा लगता है और वो जॉनी की इस हालत के लिए खुद को जिम्मेदार मानती है। इसके बाद वो जॉन के घर में आती है ताकि उससे माफी मांग सके। वो जॉन के शरीर पर जख्म देखती है और उन्हें देखकर बहुत उदास होती है, लेकिन ये सब तो लिस्सू का प्यार का निशान था। जॉन भी यहाँ वैवई को कुछ भी नहीं बताता है। वैवई को यहाँ बहुत बुरा लग रहा था इसलिए वो अपनी गलती का भरपाई करने के लिए जॉन को अपना शरीर सौंप देती है। वैवई की खूबसूरती को देखकर जॉन का हवस फिर से जाग जाता है और वो उसके साथ भी भयंकर घपाघप करता है। वैवई के जाने के बाद इनकी बड़ी बहन फैफई यहाँ आती है। वो जब बिस्तर को ठीक करने लगती है तब यहाँ उसे एक हेयरपिन मिलता है। फैफई के पूछने पर जॉन उससे कहता है, मैं ये तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, और वो कहती है, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो क्योंकि ये तो मेरी बहन का है। तब जॉन उसे सारी सच्चाई बताता है और वो उसे माफी मांगता है। तब फैफई कहती है, मैं तुम्हें एक शर्त पर माफ कर सकती हूँ, तुम्हें मेरे साथ भी वैसा ही घपाघप करना होगा जैसे तुमने मेरी बहनों के साथ किया। और इतना कहते हुए वो भी अपने कपड़े उतार देती है। इसके बाद जॉन उसके साथ भी मैच खेलता है। हम लोग तीनों बहनों को उनके घर पर देखते हैं। ये लोग यहाँ खाना खा रही होती हैं। ये लोग साथ तो बैठी हुई थी लेकिन एक दूसरे से कोई भी बात नहीं करती हैं। अपनी बहनों को नजरें चुराता हुआ देखकर फैफई उनसे पूछती है, आखिर तुम लोगों को क्या हुआ है और तुम दोनों ऐसे अजीब बर्ताव क्यों कर रही हो। जिस पर वो दोनों बहनें ये कहती हैं, हमने जॉनी के साथ घपाघप किया था। इस सच्चाई को सुनने के बाद फैफई भी उन्हें सब कुछ सच बता देती है। वो कहती है, मैंने भी जॉन के साथ जिस्मानी खेल खेला है। ये लोग बातें कर ही रहे होते हैं तभी यहाँ पर जॉन आ जाता है। उसे यहाँ देखकर ये तीनों बहनें बहुत खुश होती हैं और ये तीनों उसके गले लग जाती हैं। इसके बाद ये चारों लोग बहुत मस्ती करते हैं। एक दिन जब वो चारों एक साथ बिना कपड़ों के नहा रहे होते हैं तभी मिस्टर वोंग उन्हें देख लेता है। इसके बाद वो अपनी पत्नी के पास जाता है और वो उसे सब कुछ बता देता है। अपने पति की बात सुनकर मिसेस वोंग तीनों बहनों के घर में आती है और वो जॉन के बारे में पूछती है, जिस पर फैफई कहती है, वो हमारा मेहमान है जो कि कुछ दिन हमारे साथ रहने के लिए आया है। ये सुनकर मिसेज वोंग उन्हें धमकी देती है कि मैं तुम्हारी गंदी हरकतों के बारे में पूरे गांव को बता दूंगी। ये तीनों बहनें उसके धमकी से काफी घबरा जाती हैं। इसके बाद वो लोग जॉन के पास जाकर उसे अपने घर जाने के लिए कहती हैं। जॉन उनकी बात मान लेता है लेकिन यहाँ से जाने से पहले वो उनके साथ बैठकर खाना खाना चाहता है। अब वो चारों लोग बैठकर फल खा रहे थे जिनके बीज मिसेज वोंग के मुंह से निकल रहे थे। असल में जॉनी कोई आम इंसान नहीं था बल्कि इन तीनों बहनों की तरह वो भी कई शक्तियों का मालिक था। कुछ दिनों के बाद जॉनी अपने घर में बैठा हुआ था क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। वो देखने में काफी बूढ़ा लग रहा था। इसके बाद वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके एक लड़की को अपने वश में कर लेता है। उधर हम लोग तीनों बहनों को देखते हैं जिनके शरीर में अचानक बाल उग आए थे। फैफई को ऐसा लगता है जैसे ये सब जॉनी के साथ सोने की वजह से हो रहा है। ये तीनों बहनें बहुत घबरा रही थी क्योंकि वो लोग ऐसे में इंसान नहीं बन सकते थे। कुछ देर के बाद तीनों बहनें जॉनी से बात करने के लिए उसके घर में जाती हैं। जॉनी इस वक्त बाथरूम में होता है और अंदर से अजीब सी आवाजें आ रही थी। जब तीनों बहनें बाथरूम में देखती हैं तब सामने का सीन देखकर ये तीनों बहुत डर जाती हैं और उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं क्योंकि जॉन एक भयानक शैतान में बदल चुका था और वो उस लड़की को जिंदा खा रहा था जिसे उसने अपने बस में किया था। जॉनी का भयानक रूप देखकर फैफई उस मंदिर वाले साधु के पास जाती है और वो उससे मदद मांगती है। साधु उससे कहता है, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हें अपने हवस को दबाकर रखना है लेकिन तुम ऐसा नहीं कर पाई। जब फैफे उसे और भी रिक्वेस्ट करती है तब साधु उसे जॉन से छुटकारा पाने का उपाय बताता है। इसके बाद ये तीनों बहनें घर में आकर जॉनी का एक पुतला बनाकर उस पर काला जादू करती हैं। इस जादू का जॉनी पर जल्द ही असर होने लगता है
जॉनी भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके ये समझ जाता है कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है और कौन उस पर काला जादू कर रहा है। इसके बाद वो तुरंत यहाँ पहुँच जाता है और इन तीनों बहनों से लड़ाई करता है। इसके बाद वो इन तीनों को अपने बस में कर लेता है। जैसे ही वो लोग इसके बस में आती है, ये तीनों अपने कपड़े उतार देती है। लेकिन तभी अचानक साधु यहाँ आ जाता है और वो इन तीनों बहनों को जॉन के जादू से आजाद करता है। आखिर में साधु अपने शक्तियों का इस्तेमाल करके जॉन को मार देता है। इसके बाद इन तीनों बहनों को अपने किए का पछतावा होता है। असल में जॉनी एक बूढ़ा राक्षस था जो कि लड़कियों के साथ संबंध बनाकर जवान और तंदुरुस्त रहता था। जहाँ कहीं भी लड़कियों की हवस जागती थी, जॉनी वहाँ पहुँच जाता था। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तब एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।